हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एनी एग्जाम हो, एग्जाम तैयारी करते हैं, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, PSC प्री चाहे मेन्स का तैयारी कर रहा हूँ, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावासी, एनी हाउ बैंक वगैरह के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और देखेंगे तो GK GS के सेक्शन में भी क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे आपके 8 से 10, 10 से तक के 12 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं वहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाकी आप समझदार हो, एक बार चेक कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, जाति गणना आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हाल ही में जो बिहार राज्य ने किया कि यहाँ पे जाति हिसाब यहाँ पे एक जनगणना जारी आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 36% इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसमें 27% जो है इसमें पिछड़ा वर्ग के डाटा इसमें बताई गई है। और यहाँ पे जो कुल आबादी देखेंगे तो आबादी इस बार जो है आपका 13 करोड़ इसमें बताई गई है, आबादी यहाँ के 13 करोड़। और आपके बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे आंकड़े यहाँ पे हाल ही में कल ही जारी किया गया है, 13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और इसमें हिंदू धर्म देखेंगे तो 81.9% यहाँ के हिंदू जनसंख्या है। इसको याद रखें तो मतलब हिंदू की जनसंख्याओं के ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करते। तो जाति के हिसाब से जो डाटा जो निकाली गई है, आपके पहला राज्य है जो बिहार ने यहाँ पे जाति के हिसाब से जनगणना यहाँ पे जारी की गई है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार याद रखिए, बिहार की बात करूँ यहाँ की राजधानी है पटना और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके कैटलिन कॉरी को, ड्राविजमैन को, ए और बी दोनों को, या स्वंते पाबो को। जो स्वंते पाबो यहाँ पे दिया गया, इनको 2022 के लिए दिया गया था ना, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया था नोबेल प्राइज़। 2023 के डाटा इंपॉर्टेंट, 2022 का भी और 23 का दोनों इंपॉर्टेंट। 2023 में नोबेल प्राइज़ किसको दिया, तो कैटलिन कॉरी को और ड्राविजमैन, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? USA के रहने वाले हैं, अमेरिका के जाने माने शोधकर्ता वैज्ञानिक है। इनको कौन से वर्ग के लिए इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल प्राइज इनको मिला है, दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन जो पुरस्कार है कोविड 19 जो प्रकोप आई थी, तो कोविड 19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए, जो मेडिसिन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो दोनों को याद रखिएगा, नाम को तो आपको रट लेना है, कहीं कॉपी में लिख लीजिए, बाकी इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा PDF को, तो नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया गया है? हयात होटल को, मैरियट इंटरनेशनल, हिंदुजा ग्रुप को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हिंदुजा ग्रुप जो ब्रिटेन के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उनके ऑफिस थे, जो युद्ध कार्यालय था, इस वर्ल्ड वार जो ऑफिस को जो हिंदुजा ग्रुप ने इसको लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया था। और जो जानकारी है हिंदुजा ग्रुप के द्वारा दी गई है, तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो युद्ध कार्यालय उनके ऑफिस था, इसको अब इस ग्रुप जो हिंदुजा ग्रुप ने इसको लग्जरी होटल में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इसको ऑफिस को अब इसको होटल चेंज कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस को अभी इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जो है जारी किया गया है? तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है जी? केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में केजरीवाल ने यहाँ पे जो दिल्ली में जो विंटर सीजन में ठंड के जो मौसम में जो प्रदूषण होती है, इसको रोकने के लिए ठंड के मौसम में दिल्लीवासियों को प्रदूषण से कोई भी लोगों को दिक्कत मत हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है आपका 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है। लोगों को दिल्ली में जो दिल्लीवासी को प्रदूषण ना झेलना पड़े, इसी वजह से जल्द यहाँ पे वर्क कर रही है सरकार, ताकि लोगों को कोई भी कठिनाई मत हो। तो ये जो है आपका जो विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, ठंड के दिन में बहुत ही यहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब रहती है, इसी के चलते यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा ऐप आधारित इनवाइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? PNB, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आपका CDB के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो CDB के द्वारा, CDB की थोड़ी बात करते फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। CDB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब किया था? 1990 में इसकी स्थापना किया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपका जो है वर्क कैसे करती है, तो ये जो आपका इनवाइस जो फाइनेंशियल ऋण मंच लॉन्च किया है, जिसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म लघु जो और मध्यम जो उद्यम जो बिजनेस, छोटे छोटे जो व्यापारी जो उन लोग रेट पे ठेला वगैरह जो हाथों से सामान यहाँ पे रोड में देखे होंगे लगाते हैं, दिया वगैरह होगा, सुपा वगैरह, ये सभी जो उन पर काम करती है, जिसको हम शॉर्टकट में MSME बोलते हैं, इसकी आर्थिक वित्तीय सहायता किया जा रहा है। इन लोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म दुनिया भर के लाया जा रहा था कि इनके जो अर्थव्यवस्था सुधर सके और इन लोग को आगे जो भारत में साथ ही साथ देश विदेश में भी इनको जो है इनके जो जो बिजनेस को इस तरह का जो बढ़ाया जा रहा है, ये जो है ये जो इस जो आपका इस पर काम किया जा रहा है, CDB के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह का जो है आपका ऋण प्रोवाइड भी किया जा रहा है, लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन लोगों को तो एक ऐप भी लॉन्च किया ताकि उन लोगों को यहाँ पे बिजनेस में विस्तार हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कहा पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 के मेजबानी करेगा, झांसी, नई दिल्ली, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है। तो इसमें जो है भारत को इस बार मेजबानी दी गई है, इस बार 46वें क्रम की मेजबानी है जो भारत को सौंपी गई है पाटा ट्रेवल मार्ट के द्वारा। 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली में भारत के द्वारा। तो आपका जो है जो आपका 4 से 6 अक्टूबर को इसका जो आयोजन होगा, या आपका 46वें संस्करण है इसका आयोजन करेगा प्रगति मैदान दिल्ली में। ये खास करके इसके द्वारा, ये आपका दिल्ली के जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये आपका किया जाएगा इसका आयोजन। पाटा क्या होता है? पाटा इसका फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो पाटा इसकी स्थापना 1951 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका काम कैसे करते हैं पाटा? तो आपका यात्रा और ट्रेवल पर्यटन जो संबंधित इस पे मुद्दों पे फोकस करती है, काम करती है, यात्रा और पर्यटन को सुगम बनाती है, उस पे वर्क करती है। तो इस बार जो मेजबानी है भारत को दिया गया है, इसका जो आयोजन है प्रगति मैदान दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? जी किशन रेड्डी, हर्षवर्धन जी, जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी कौन है जी? ये हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो आपका भारत की पब्लिक 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ जो है आप लॉन्च इनको द्वारा किया गया। ये खास करके जो यहाँ पे जो किशन रेड्डी जी, इन्होंने सभी जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला लॉन्च की है, और 5G जो स्वास्थ्य ऐप भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो खासकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी जो कठिनाई झेलनी पड़ती है, अच्छे से इलाज नहीं हो पाती, इसी तरह डिजिटलीकरण अपनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो डाटा पता चल सके और यहाँ उन लोग तक यहाँ पे इलाज वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्र में इलाज वगैरह यहाँ पे पहुँच पाए, उनको जो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे इलाज अच्छी तरीके से हो सके, इसी माध्यम से जो हेल्थ लॉन्च यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में हार्पर जो कलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम एन आनर की घोषणा की है? तो हुसैन जैदी, मृदुला रमेश, एस चट्टोपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एस चट्टोपाध्याय है, ये आपके पत्रकार हैं, साथ ही साथ लेखक हैं हमारे भारत के, तो पत्रकार भी हैं। तो इनकी जो पुस्तक है आई है द डे आई बिकम एन आनर की, इन्होंने घोषणा की गई है। और ये जो पुस्तक है उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में बुक को लिखी गई है, उनके जीवनी के ऊपर जो पत्रकारिता कैसे कैसे उन्होंने वर्क किए, क्या स्ट्रगल की है, ये खास करके उन मुद्दों पे काम किए गए हैं। ये खास करके जो बंगाली, मलयालम, तमिल और यहाँ पे जर्मन भाषा में इसको अनुवाद किया गया है, और उनके पत्रकारिता और उनके कार्य का यहाँ पर जो इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखें साहिनी चट्टोपाध्याय, एस चट्टोपाध्याय मतलब एस सानू चट्टोपाध्याय इनको बोला जाता है, एक पत्रकार है, इनके द्वारा जो है आपका घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सम्मेलन है आपका नैनीताल में हो, नैनीताल या आपका उत्तराखंड में आती है। तो ये एक तरह का आपका जो उत्तराखंड के जो नैनीताल में जो आपका यहाँ के जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका
मुख्यमंत्री जो जो सचिवालय की तरह एक फैसला लिए, जिसमें लोग जो कि बार बार धन परिवर्तन करते हैं, इसमें कानून में संशोधन किया गया। इसके चरण निर्णय लिया गया है कि कोई भी बार बार जैसे यहाँ पे जो धन परिवर्तन करती है तो उसके लिए 10 साल की सजा यहाँ पे सुनाई गई। आजकल आम बात हो गई इसी मुद्दे पे। यहाँ पे जो उत्तराखंड जो यहाँ पे जो सचिवालय ने आपका जो है कानून संशोधन यहाँ पे निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया है? तो संपर्क किया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और एंथनी अल्बनीज जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो निपाह वायरस हमारे भारत में सबसे पहला मामला यहाँ कहाँ पे देखा गया था? तो आपका केरल के कोझीकोड जिला में ये देखने को मिला। अभी तक 1,000 की पहचान मरीज की गई, जिसमें 2 व्यक्ति की इस निपाह वायरस से मृत्यु भी हो गई है। तो यहाँ से मरीजों को जो एंटीबॉडी जो खुराक ली ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया गया, यहाँ पर मांग की गई है, तो ताकि जो यहाँ पे जो मरीज उनको जल्दी कवर कर सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे संपर्क किया गया है ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के साथ। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वें भारतीय जो विश्वविद्यालय के रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो हमारा जो IIC जो बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो टेक्नोलॉजी है बेंगलोर, कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है। ये जो टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग है 2024 की जो निकाली गई, जिसमें 91 भारतीय विश्वविद्यालय में जो IIC जो बेंगलोर है, इसको टॉप 1 शीर्ष स्थान पर रखी गई है। ये जो टाइम्स वर्ल्ड जो रैंकिंग है आपका, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपका पढ़ाई के लिए बेस्ट ऐसे करके जारी की गई है विश्व में देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनी गई है, और भारत में IIC बेंगलोर को चुनी गई। तो भारत के इम्पोर्टेंट है, विश्व में आपका ऑक्सफोर्ड को याद रखना है और भारत में IIC बेंगलोर को याद रखना है। तो शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान शिक्षा के संस्थान के लिए इसको जानी जाती है बेंगलोर को, IIC बेंगलोर को। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1909 में इसकी स्थापना किया था। इसका जो अभी वर्तमान में निर्देशक कौन है IIC बेंगलोर के? तो गोविंदवन जो नटराजन है, रंगराजन है, अभी वर्तमान में इसके निर्देशक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो जो राकेश शर्मा है, इनको हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष है, इनको प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। तो जाने माने पत्रकारिता, इन्हें लगभग 50 वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो इन्हें इनको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष इनको चुना गया है। और अभी वर्तमान में कौन थे? तो राजा जो प्रसाद रेड्डी वर्तमान में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके जगह सीधा राकेश शर्मा को बनाया जा रहा है इसके प्रेसिडेंट। तो इसको याद रखिए, जाने माने जो सोसाइटी होती है न्यूज़पेपर सोसाइटी, जैसे आपका दैनिक भास्कर हो गया, बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसी तरह की आपका जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है जिसके राकेश शर्मा को जो है आपको नियुक्त किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन से पदक जीता है? तो भारत ने यहाँ पे देखेंगे तो स्वर्ण पदक इन्होंने गोल्ड मेडल ये हासिल की है, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो चाइना के जो हॉन्ग सॉन्ग सिटी में एशियन गेम्स चल रही है, जिसमें जो भारत की जो पुरुषों की जो टीम ने स्क्वैश टीम ने जो जैसे आपका जो बैडमिंटन खेलते उसी तरह का जो खेल है स्क्वैश जो खेल होता है, सेम बैडमिंटन टाइप का होता है, लेकिन ये खेल थोड़ा दूसरा होता है, तो मान के चलिए उसे को होता है। तो भारत की जो स्क्वैश टीम ने स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? ये हमारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हराकर, यहाँ पे 2-1 से हराकर पाकिस्तान को हरा के हमारे भारत को जो पुरुषों की टीम ने आपके स्वर्ण पदक जीता, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत के पाकिस्तान को हरा कर यहाँ पे 2-1 से जो अभय सिंह, जो हमारे भारत के जो स्क्वैश टीम के जो प्लेयर हैं, इनको पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जमान नूर को, इनको हरा कर यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल की है। तो इसको याद रखिए, जो एशियन गेम्स के तहत इनको पाकिस्तान को हरा कर ये स्वर्ण पदक भारत ने हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुब्रतो कप जूनियर अंडर जो आपका 14 कहाँ शुरू होगा? तो ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू होगा। याद रखिए, सुब्रतो कप या फिर कौन से खेल से संबंधित सुब्रतो कप, ये आपका इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो जो सब जूनियर जो अंडर 14 है, ये आपका कहाँ शुरू होगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है और ये आपका 62वां संस्करण है। तो कहाँ पे होगा? तो ये बेंगलुरु में इसका आरंभ होगा, तो इसको याद रखिएगा और बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में सुब्रतो कप कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखें, फुटबॉल के क्षेत्र में आपका दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 15वें TIFF, इसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि सितंबर में हर साल इसका आयोजन होता है। इस समारोह जो इस बार जो TI15वें जो TIFF उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो जो आपका डॉक्टर एल मुर्गन जो हमारे भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर एल मुर्गन इस बार ये आपका जो फिल्म फेस्टिवल है कहाँ पे होगा, उज्बेकिस्तान, यू लिख दिया हूँ, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होगा, जिसमें जो हमारे सूचना और प्रसारण जो राज्य मंत्री हैं ये आपके एल मुर्गन जी हैं। तो इस बार जो है उज्बेकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में है जो हमारे भारत की तरफ से ये आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें उज्बेकिस्तान और भारत के बीच हमारे अच्छे संबंध है और इसको अच्छे से इसको इस जो हमारे जो 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 दोस्ती है जो भी जो है आपको उज्बेकिस्तान और भारत के बीच अपने संबंध को आगे बढ़ावा देना है। तो ये एक फिल्म फेस्टिवल जो कि हर साल सितंबर में किया जाता है, इस बार भारत का प्रतिनिधित्व जो भारत की तरफ से डॉक्टर एल मुर्गन करेंगे उज्बेकिस्तान में। तो एक तरह का फिल्म फेस्टिवल है तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर आपको लाना है ये मान के चलिएगा। तो डेली बेस पर 10 से 15 मिनट आपको बने रहना है। चलिए थैंक यू जी।